हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस बायोलॉजी विद प्रियंका। सो वी आर ऑन थर्ड लेक्चर ऑफ क्लास 10th चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। वी हैव आफ्टर डूइंग इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, वी गेट टू नो दैट हाउ सेक्स इज बीइंग डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स। ऑल्सो सारे के सारे करेक्टर्स इनहेरिटिंग नहीं होते, कुछ कुछ करेक्टर्स हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी बनते हैं, ये भी हमें पता चला। राइट, नाउ वी आर ऑन द मिडल ऑफ द चैप्टर वेयर वी हैव टू डू मेंडल एक्सपेरिमेंट्स और अ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। बट बिफोर गोइंग ऑन टू दैट, वी नीड टू नो व्हाट इज़ द बेस ऑफ द इनहेरिटेंस, हाउ व्हाट इंफॉर्मेशन और मैसेज द व्हाट इंफॉर्मेशन मैसेजेस आर इन द फॉर्म, किस फॉर्म में है ये मैसेजेस। दीज मैसेजेस आर इन अ फॉर्म ऑफ जीन्स। ओके, these messages are in a form of genes. So as human beings and many living organism are multicellular organism, sabhi ke sabhi multicellular organism hai, un sabhi ke andar nucleus hai, right? multicellular organism hai aur nucleus hai, har cell ke nucleus ke andar ek genes hoti hain, right? ek genes hoti hain, actually ye ek molecule hota hai, genetic material hota hai, that is known as DNA. तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, सभी लिविंग बीइंग के सेल्स में जो न्यूक्लियर सेल्स के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि है डीएनए। दिस हाउ इट लुक्स, राइट, डीएनए। ओके, डीएनए, सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। सो इनसाइड आवर सेल्स न्यूक्लियस वी हैव दिस स्ट्रक्चर दैट इज डीएनए। यू कैन सी टू थ्रेड्स, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टेयर, जैसे हमारे घर में स्टेयर होती है, बट वो स्टेयर जो है वो फोल्डेड है। ओके, सो यहाँ पे दो थ्रेड्स जो हैं पैरेलली रन कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, पैरेलली रन कर रही हैं, और इन बिटवीन उसमें ये स्टेयर्स बने हुए हैं। एक्चुअली ये जो स्टेयर्स हैं वही हैं जो कि बताते हैं कि कौन सा पार्ट कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज करने वाला है। ओके, सो दैट्स हाउ योर डी एन ए लुक्स, that is present inside your inside nucleus of every cell. Okay, that DNA is present in the nucleus is not in the form of these loose thread, केवल इस तरह से thread loose thread के form में नहीं present होता, कभी भी इस तरह से present नहीं होता, but it is even coiled. ये जो DNA है वो इस तरह से कॉइल्ड हो जाता है, हाईली कॉइल्ड हो जाता है, बिकॉज न्यूक्लियस का स्पेस छोटा है और कंपैरेटिवली इस थ्रेड की लेंथ ज़्यादा है, इसलिए ये हाईली कॉइल्ड फॉर्म में पाया जाता है। एंड दैट कॉइल्ड फॉर्म टेक्स द शेप ऑफ अ क्रोमोसोम। ओके, दैट कॉइल्ड फॉर्म टेक्स अ शेप ऑफ अ क्रोमोसोम। ओके, लाइक दिस। ओके, इट टेक्स दैट, सो जब डीएनए बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है तो वो ले लेता है किसकी शेप, क्रोमोसोम की। ओके, सो प्रेजेंट तो न्यूक्लियस के अंदर यही डीएनए होता है, लेकिन वो ज़्यादा सिकुड़ जाता है, सिकड़े हुए फॉर्म में होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ जो है वो न्यूक्लियस के स्पेस में आ सके, तो वो आपका क्या कहलाता है, क्रोमोसोम, जब डीएनए बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, इसी तरह के क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट हैं हर ह्यूमन बींग में, सो ह्यूमन बींग के हर सेल में न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं और 23 पेयर्स हम मान सकते हैं। 46 में से जो 23 पेयर हैं उसमें हर पेयर में से वन इज़ फ्रॉम फादर एंड अनदर इज़ फ्रॉम मदर, सो वन चेन इज़ फ्रॉम फादर और अदर चेन इज़ फ्रॉम मदर, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। सो जब हम मैथमेटिकल क्वेश्चन करते हैं बायोलॉजी में, तो हम इनको ऐसे एक्स के फॉर्म में ना लिखकर इस तरह से लिखते हैं। ओके, एक आम की जो लेंथ होगी दूसरी आम की भी उतनी लेंथ होगी। ओके, और ये जो जब ये जो डीएनए जब सिकुड़ जाता है, इस तरह से कुछ शेप ले लेता है, स्पेसिफिक शेप ले लेता है क्रोमोसोम की, तो इसमें कुछ ऐसे रीजन्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, कुछ ऐसे रीजन्स आ सकते हैं जो कि कोड कर सकते हैं टू सिंथेसाइज प्रोटीन। सारे रीजन्स नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कर सकते हैं। ओके, कुछ रीजन्स जो हैं वो कर सकते हैं। दोज रीजन्स आर नोन एज जीन्स, अ पार्ट ऑफ डीएनए और अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट कैन सिंथेसाइज प्रोटीन इज नोन एज जीन। और एक क्रोमोसोम पे जो जीन का फॉर्म प्रेजेंट होगा
उसी का पेयर, उसी का जोड़ा दूसरे क्रोमोसोम पे उसी प्लेस पे प्रेजेंट होगा। ओके दैट्स, तो हम कह सकते हैं कि जो एक करेक्टर है वो हमारे पास डबल फॉर्म में है, हर करेक्टर का दूसरा फॉर्म प्रेजेंट है हमारे पास। दैट्स वाई करेक्टर्स आकर्स इन पेयर। ओके सो दो, यानी यहाँ पर इस करेक्टर का एक फॉर्म है तो यहाँ पर दूसरा है। ओके जैसे मान लीजिए ये जो करेक्टर है वो आपके बालों का कलर बता रहा है, कलर ऑफ हेयर, तो ये वाला जो कलर ऑफ हेयर है ये भी कलर ऑफ हेयर शो कर रहा है, ये वाला साइड जो है क्रोमोसोम का ये भी कलर ऑफ हेयर शो कर रहा है। ये कह रहा है कि ब्लैक कलर, और ये कह रहा है ब्लैक कलर, और ये कह रहा है ब्राउन कलर। ओके एक कह रहा है ब्लैक कलर, एक कह रहा है ब्राउन कलर। अब इसमें से कोई सा भी हमारे पास हो सकता है, ब्लैक या ब्राउन। ओके सो हमारे पास पेयर में होते हैं करेक्टर हमेशा, क्योंकि हमारे पास हर क्रोमोसोम की दो कॉपी हैं, जो कि एक पेरेंट्स, एक मेल पेरेंट्स से आई है, एक फीमेल पेरेंट्स से आई है। जो ये मैंने बोला कि हर पेयर में होती हैं, तो हर पेयर का एक नाम है, पेयर वन इज एलील वन, पेयर टू इज एलील टू। ओके फॉर्म्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम आर नोन एज एलील। ओके सो एक दो क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास हर जीन की दो कॉपी हैं, यानी हमारे पास हर जीन के लिए दो एलील हैं, हर जीन के लिए दो एलील हैं। ओके सो समिंग इट अप, व्हाट हैपेंस इन दिस, दैट एवरी सेल ऑफ अ लिविंग बीइंग कंटेन्स अ जेनेटिक मटीरियल कॉल्ड एज डीएनए, दैट इज हाईली कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। We have, human beings have 23 of such pairs, one from mother and one from father. Both of those chromosomes have certain parts or region that can synthesize proteins. Okay, and for each protein of, for each character, we have two such genes. Two such genes are known as alleles. Okay, that's the story. ओके हर करेक्टर के लिए हमारे पास दो फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, और उसमें से कोई भी प्रोटीन बन सकता है, उनमें से कोई भी करेक्टर हमारे अंदर आ सकता है। ओके और ऐसे हमारे पास दो फॉर्म्स हैं, सो हर जीन की जो फॉर्म होती है उनको हम एलील्स कहते हैं। ओके सो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, वेरिएशन। सो ऑफस्प्रिंग गेट मेनी सिमिलर करेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स। ओके offspring get many similar characters from the parent. That's why कुछ लोग कहते हैं कि आपकी आँखें अपने मम्मी से मिलती हैं, नाक जो है पापा से मिलती है, चिन जो है वो अपने पेरेंट्स में से किसी से मिलती हैं। बट नॉट ओनली सिमिलैरिटी, वी ऑल्सो एक्सट्रैक्ट सम ऑफ द डिफरेंसेज फ्राम आवर पेरेंट, बिकॉज वी आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट, हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं हैं। तो सिमिलैरिटी के साथ साथ हम कुछ कुछ डिफरेंसेज भी इनहेरिट करते हैं, राइट? दीज आर कॉल्ड एज वेरिएशन। Variation are differences in physical appearance that is occur due to differences in genetic makeup. When there is difference in genetic makeup, कहीं ना कहीं हमारे alleles, हमारे genes में कोई change आया है, तो उस वजह से हमारे physical appearance में change आता है, that is known as variation. अब variation आते क्यों है, how variation actually occurs how variation occurs. Number one, inaccuracy during DNA replication. So whenever parent transfer their character to offspring, right, जब भी माता पिता जो है gametes form कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपने सारे के सारे characters जो है वो baby में transfer कर देते हैं, फिर उनके पास क्या character बचेंगे? नहीं, अपने chromosomes थोड़े, अपने किसी cell का chromosome थोड़े ना transfer कर रहे हैं, नहीं, एक्चुअली वो उसका पहले कॉपी बना लेते हैं और वो उस कॉपी को ट्रांसफ़र करते हैं। ओके पहले वो उसका कॉपी बना लेते हैं और उसकी कॉपी की हाफ इंफॉर्मेशन दोनों पेरेंट्स ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। कि जो क्रोमोसोम है, जो ये डीएनए है, इसका भी रेप्लिकेशन, इसकी भी कॉपी बनती है, रेप्लिकेशन मतलब कॉपी बनना। ओके इसी डीएनए रेप्लिकेशन यानी इसी कॉपी बनते वक्त जो इनएक्यूरेसी आती है, यानी जो गलतियाँ होती हैं, वो भी साथ साथ में इनहेरिट हो जाती हैं और बाद में जाके क्या बन जाती है, वेरिएशन। ओके जैसे अब आप ही नॉर्मली आपको बोला जाए कि एक नंबर है 589235, उसके बाद आप दूसरे को बताएंगे 589235, फिर 589235, इस तरह से जब आप बताते जाएंगे, एक से दस लोगों तक वो ट्रांसफ़र होगा,
हमें वो नंबर कुछ ना कुछ चेंज हो चुके होंगे, क्योंकि कॉपी करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है। इवन ह्यूमन मशीनरी कुछ गलतियाँ करती है। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस और इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो व्हेन द गैमेट्स आर फॉर्मिंग, when the gametes are forming, during the gametes यानी within the parents, जब male में sperms बन रहे होते हैं, female में ovum और egg बन रहा होता है, during that chromosome number half होता है, right? और chromosome number half होने से पहले, जो ये chromosome number half होने से पहले, क्योंकि सारे chromosome इस form में present हैं, right? सभी chromosome जो है 23 chromosome, 23 pair हैं, 46 chromosome इस तरह से pair में हैं। तो जब ये अलग हो रहे होते हैं तब इनसे पहले इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है। इसका यानी ये जो प्लेस है, जैसे कि यहाँ पे कुछ करेक्टर्स हैं, यहाँ कुछ जीन्स हैं, ये जीन है यहाँ पर, ये जीन है जीन वन जीन टू, यहाँ पे भी है जीन वन जीन टू, तो अलग होने से पहले इनमें भी क्रॉसिंग ओवर होता है। ओके, इनमें भी करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं और उससे क्या बन जाता है, एक करेक्टर। ओके, जैसे कि ओके सो जैसे कि ये अब अगला जो पार्ट है वो क्या बन गया, ये वाला क्रोमोसोम, अगला क्रोमोसोम जो है वो इस तरह का बन गया। ओके, सिंगल आ गया। अब यही वाला जो पार्ट है वो इस तरह से आ जाएगा, हमारा ये क्रोमोसोम अगला जो है वो ये बन गया अलग होके, दूसरे वाला अलग चला गया। ओके, तो अब अगला क्रोमोसोम ये है और जो पहले क्रोमोसोम था इंटैक्ट वो आपका अलग है। ओके, तो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होती है यहाँ पे। अगला जो और जो दूसरा क्रोमोसोम इससे अलग हुआ वो ये अलग था रेड में, और ये ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला पूरा पार्ट क्रॉसिंग ओवर होके आ गया, तो ये अलग है। ये विद इन, सो ये जो है वो विद इन द पेरेंट्स होता है। ओके, नेक्स्ट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब जब गैमेट्स बन गए हैं, ओके, तो गैमेट्स बन गए हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो फ्यूज होंगे। व्हेन दे फ्यूज देयर करेक्टर्स और ऑल्सो गेट टू ट्रांसफर, when they fuse, right? मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तब भी करेक्टर्स मिक्सिंग अप होंगे। अकरेंस ऑफ रैंडम म्यूटेशन आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स वट एवर दैट इज ट्रांसफर इन द इम्ब्रो बिफोर ट्रांसफरिंग, इम्ब्रो में ट्रांसफर होने से पहले, सॉरी जायगॉट में ट्रांसफर होने से पहले म्यूटेशन आ सकती है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जो आपका डीएनए है उसमें कुछ एडिशन या कुछ डिलीशन, उसका कुछ पार्ट कट जाना या उसमें कुछ और पार्ट ऐड हो जाना रैंडमली कहीं से भी। ओके, उसी का कोई पार्ट कॉपी होके उसी में ऐड हो जाता है या फिर कहीं से वो एडिट हो जाता है, दिस इज नोन एज म्यूटेशन। अगर ट्रांसफ़र होने के बाद ये भी हो सकता है, तब भी जो प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होगा पूरा प्रोटीन नहीं बना पाएगा क्योंकि उसका साइज ही पूरा नहीं है। वेरिएशन सिग्निफाइज ओनली व्हेन इट इज़ ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब ये जो वेरिएशन आई, जो ह्यूमन इंडिविजुअल ऑलरेडी बने हुए थे उनमें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन जिनमें ट्रांसफ़र किया जा रहा है तब ये वेरिएशन उनमें फ़र्क डालेगी, यानी ये तभी फ़र्क डालेगी जब ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी। ओके, सो दैट्स अबाउट हाउ वेरिएशन अकर्स। नाउ यू कैन सी अ डायग्राम फ्रॉम द एनसीईआरटी ऑफ अ बैक्टीरिया दैट डिवाइड्स, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जो कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। तो कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुई, कोई गैमेट फ्यूजन नहीं हुआ, दो पेरेंट भी इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी इनके अंदर कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटी आप देख सकते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देख सकते हैं, कलर में आप देखिए डिफरेंसेस होंगे। सो दिस प्रोसेस इज बाइनरी फैशन। जब बाइनरी फैशन हुई तब भी इसके पास जो क्रोमोसोम था इसको इन्हें देना था ना, पर एक को दो में देना था, राइट? ऑफकोर्स इसका जो ये जो पेरेंट है वो तो बाद में जाके इसकी एग्जिस्टेंस तो पेरेंट की ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर पेरेंट जो है वो बाइनरी फिशन करके दो में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसको फिर भी अपने डीएनए की दो कॉपी तो करनी होगी। जब ये डीएनए की दो कॉपी करेगा तभी कॉपी होने के दौरान डीएनए के अंदर इनएक्यूरेसी आ जाएगी। अब जब ये डिवाइड हुआ तो इसने सेकेंड जनरेशन बनाई, सेकेंड जनरेशन में कुछ डिफरेंसेस आए, नंबर वन, एंड इन दिस यू कैन सी नंबर टू। ओके, सो डिफरेंसेस आए। इसी तरह से जब इन बैक्टीरिया ने सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस की, ओके सॉरी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जब ये थर्ड जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं तो अगेन कुछ डिफरेंसेस आते हैं, जैसे कि ये डिफरेंट है, राइट? यहाँ पर ये चीज़ डिफरेंट है,
इनमें भी ये डिफरेंसेस है, राइट? इसमें ये डिफरेंट है पूरा का पूरा, और इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखाया गया है. सो व्हाट एक्चुअली दे वांट टू से इज इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड अ बेसिक बॉडी डिज़ाइन. इनहेरिटेंस की वजह से जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं तो बेसिक बॉडी डिज़ाइन तो वही रहता है. ओके, सो बिल्ली का अगर बच्चा है तो बिल्ली जैसा ही दिखेगा, राइट? काओ का अगर बच्चा है तो काओ जैसा ही दिखने वाला है. गॉड के हैं तो गॉड जैसे ही दिखेंगे, चूहे के हैं तो चूहे जैसे ही दिखेंगे, ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन. यानी बेसिक बॉडी डिज़ाइन सेम है बट विद सबटल डिफरेंसेस. यानी कुछ डिफरेंसेस तो होंगे. वी ऑल आर ह्यूमन बींग, वी ऑल हैव फाइव फिंगर्स, वी ऑल हैव फाइव सेंसेस, टू आईज, वन नोज, वन लिप्स, वन टू ईयर्स, बट स्टिल वी हैव डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट फेसेस. क्यों? हमारे फेस फेशियल स्ट्रक्चर अलग होते हैं बिकॉज वी हैव सबटल डिफरेंसेस बट बेसिक बॉडी डिज़ाइन. द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस. सेकेंड जनरेशन में डिफरेंसेज आए जो कि इनहेरिट हुए हैं फर्स्ट जनरेशन से, एज वेल एज जो सेकेंड जनरेशन से नई जनरेशन क्रिएट हुई है वो उसको सिमिलैरिटी के साथ साथ डिफरेंसेस भी पास ऑन करेगी. सिमिलैरिटी के साथ साथ डिफरेंसेस भी पास ऑन करेगी. ओके, दैट इज वेरिएशन. ओके, सो इन्होंने ये बताया है. सो दे जस्ट ट्राई टू टोल्ड यू दैट केवल सिमिलैरिटी ही नहीं ट्रांसफर हो रही, केवल आप सिमिलर ही नहीं हैं, बट ड्यूरिंग हेरिडिटी सम ऑफ द डिफरेंसेस आर ऑल्सो गेटिंग इनहेरिटेड. वो भी ट्रांसफर हो रहे हैं. ओके, नाउ हाउ दीज डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी गेट इनहेरिट, हाउ द करेक्टर्स आर मिक्सड, दीज आर बींग टेल्ड इन योर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल. ओके, एंड बिफोर गोइंग टू मेंडल एक्सपेरिमेंट यू नीड टू नो सम ऑफ द बेसिक टर्म. लेट्स गो थ्रू इट. नंबर वन इज एलील. व्हाट आर दे? फॉर्म्स ऑफ जीन. तो जिनमें जितनी कॉपी क्रोमोसोम की होगी उतनी ही जीन की फॉर्म्स होंगी. ह्यूमन बीइंग में हर क्रोमोसोम की दो कॉपीज होती हैं, यानी हर करेक्टर की भी दो ही कॉपी होती हैं. इसलिए ह्यूमन बीइंग में जीन्स की कितनी कॉपी हैं? दो, राइट? जीन वर्क्स इन पेयर. इन ह्यूमन बीइंग जीन वर्क्स इन पेयर. और माइंड यू दिस टर्म, यानी जब जीन पेयर में काम करती है तो हम इसको कहते हैं डिप्लॉइड. ओके, अगर वो सिंगल है जीन, क्रोमोसोम जो है वो एक सिंगल है तो उसे हम कहते हैं हैप्लॉइड. तो अगर जीन काम पेयर में कर रही है, मतलब दो क्रोमोसोम की कॉपी जो है दो है, तो डी, डिप्लॉइड. ओके, सो जीन वर्क्स इन पेयर, राइट? एंड दोज फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड एज एलील. और अगर पेयर में काम कर रही है तो कितनी फॉर्म होंगी? दो, राइट? फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ द प्लांट. हाइट ऑफ द प्लांट के लिए जीन है लेटर टी. ओके, एंड इट्स स्मॉल एलील. सो इट्स एलील. एलील कौन कौन सी है? कैपिटल टी और स्मॉल टी. कैपिटल टी भी हाइट को शो करता है, स्मॉल टी भी हाइट को शो करता है, बट कैपिटल टी लॉन्ग हाइट को शो करता है. ओके, और स्मॉल टी स्मॉल हाइट को या फिर ड्वार्फनेस को शो करता है. ठीक है, ड्वार्फनेस. नाउ नेक्स्ट इज हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस. ओके, ये डिफरेंसेस हैं एक्चुअली टर्म जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. जाइगस का मतलब होता है जाइगॉट, और आपको पता होगा जाइगॉट कब बनता है? जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं. मेल और फीमेल गैमेट्स के बाद फ्यूज होने के बाद बनता है जाइगॉट. जाइगॉट से फर्दर बनता है एम्ब्रो, एंड एम्ब्रो डेवलप इनटू बेबी. सो व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस टू फॉर्म अ जाइगॉट, ओके, दैट कैरीज डिफरेंट एलील. यानी किसी एक करेक्टर के लिए उसके पास दो अलग अलग एलील हैं, राइट? हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स कमिंग फ्रॉम द मेल फ्रॉम द फादर, एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम द मदर, राइट? दोनों आ रहे हैं. ओके, और उनके पास किसी एक सर्टेन करेक्टर के लिए अलग अलग एलील हैं, तो उस करेक्टर के लिए वो क्या हो जाएंगे? हेट्रोजाइगस. जैसे कि प्लांट हाइट के लिए एक फीमेल जो मेल पेरेंट है वो ट्रांसफ़र कर रहा है कैपिटल टी, और फीमेल पेरेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर रही है स्मॉल टी. ओके, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसी कंडीशन है? हेट्रोजाइगस. ओके, राउंड में देखिए, यहाँ पे देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. होमोजाइगस देखिए, अ कंडीशन वेयर अ जाइगॉट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट कैरिंग डिफरेंट, ओ सॉरी नॉट डिफरेंट, दिस इज रॉन्ग. ओके, सो इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी सिमिलर. ओके, इट शुड बी सिमिलर. सो जब सेम होगा, जब सेम एलील होंगी तो वो कंडीशन होगी होमोजाइगस.
कैपिटल डी सॉरी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ऐसा नहीं है कि केवल स्मॉल स्मॉल हो सकते हैं, कैपिटल कैपिटल भी हो सकते हैं, पर दोनों सिमिलर होने चाहिए। अगर दोनों सिमिलर हैं मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन है, यानी मेल ने भी कैपिटल टी ट्रांसफ़र किया है, फीमेल ने भी कैपिटल टी ट्रांसफ़र किया है। ओके नाउ अब ये जो कैपिटल टी है कैपिटल आर है स्मॉल आर है, इनका मतलब क्या है वो हम इस टर्म से जानते हैं, डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव जीन्स। ओके डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन एन एलील दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ अदर एलील इज कॉल्ड एज डोमिनेंट एलील। देखिए तो जो जीन्स की दो फॉर्म है उनमें से हमेशा एक ऐसी फॉर्म होती है जो डोमिनेंट होती है, डोमिनेंट का मतलब है जो एक दूसरे पे भारी पड़े। ओके और एक रिसेसिव होती है यानी जो दब जाती है। ओके सो डोमिनेंट एलील वो एलील होंगी जो ऐसी कंडीशन में यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में यानी इस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल टी का साइन होता है टॉल और करेक्टर भी टॉल ही आ रहा है जबकि स्मॉल टी भी यहाँ पे है। ओके कैपिटल आर का मतलब होता है राउंड और स्मॉल आर का मतलब होता है रिंकल, रिंकल होना यानी सिकुड़ना। ओके लेकिन फिर भी करेक्टर राउंड ही है। कैपिटल वाई का मतलब होता है येलो, कैपिटल स्मॉल वाई का मतलब होता है ग्रीन, बट स्टिल द करेक्टर इज शोइंग येलो। सो जो कैपिटल का करेक्टर होता है, कैपिटल एलील कोई प्रोटीन बनाना चाह रही है तो वही वो प्रोटीन बनाएंगे, वही प्रोटीन बनेगा, ये नहीं बना सकते। सो दैट इज़ डोमिनेंट यानी ये इनकी प्रेजेंस में अपना करेक्टर नहीं दिखा पाते और ये दिखा पाते हैं, जो दिखा पाते हैं अपना करेक्टर उन्हें हम कहते हैं डोमिनेंट एलील, और वहीं जो नहीं दिखा सकते हेटरोजाइगस कंडीशन में अपना करेक्टर उन्हें कहते हैं रिसेसिव एलील। बट वेयर दे कैन शो हाउ जब ये अपना करेक्टर कहाँ पर बना सकते हैं यानी प्रोटीन्स अपने कहाँ सिंथेसाइज कर सकते हैं, सो दैट इज़ इन होमोजाइगस कंडीशन। जब भी ये होमोजाइगस फॉर्म में होंगे, जैसे कि स्मॉल टी है, जब दोनों स्मॉल हैं तो शॉर्ट बन जाएगा, जब दोनों स्मॉल आर हैं तो रिंकल भी बन जाएगा, जब दोनों स्मॉल वाई हैं तो ग्रीन भी बन जाएगा, राइट right? तो जब ये अपने जैसे किसी करेक्टर्स के साथ है तब तो बना लेंगे, तब तो प्रोटीन भी बना लेंगे, तब अपना करेक्टर भी शो कर देंगे, लेकिन अगर किसी अपने से बड़े के साथ है तो ये करेक्टर शो नहीं कर सकते। ओके दैट इज़ डोमिनेंट और रिसेसिव जो कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। नाउ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट दैट वी विल टेक इन अ नेक्स्ट क्लास, वी विल लीव दैट इट नाउ। So thank you everyone, don't forget to like and subscribe my channel and pressing the bell icon so that